आज मैं गुजरात की धरती पर खड़ा हूँ, मैं गुजरात का एक युवा बेरोजगार हूँ और पिछले 5 सालों में गुजरात में 22 से ज्यादा बार पेपर लीक हुए हैं। ये पेपर नहीं पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बेरोजगार युवाओं की मजाक कर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में, इस प्रदेश में, गुजरात में आई है, तब से देखने को मिला है कि कानून की धज्जियां यदि कोई उड़ा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे बड़े स्तर पर उड़ रही है। ना तो जांचें होती हैं, ना खुलासे होते हैं, जो घोटाला करता है वो खुले तौर पर घूमता है। पेपर लीक के खिलाफ हम एक नया कानून लाएंगे कि एग्जाम होगा तो ये जो आउटसोर्सिंग होती है ये आउटसोर्सिंग नहीं होगी, एग्जाम सरकारी संस्था करेगी और अगर पेपर लीक हो गया तो फिर कानूनी कार्रवाई ऐसी होगी कि दूसरी बार नहीं होने वाली। अपने कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सेट करने के लिए ये भर्ती घोटाले किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यूपी बिहार सभी जगह पेपर लीक का मामला एक गंभीर मुद्दा है। उस पर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा विचार किया है कि पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी एक अच्छा सा कानून लेकर आएगी और ट्रांसपेरेंसी से भर्ती की जाएगी। ये भी एक गारंटी है कांग्रेस की, हमें खुशी है इस गारंटी के लिए। हम गुजरात के युवा इस बार राहुल गांधी जी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है।